सो है व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। सो यहाँ पर मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ रेडमी एंड पोको डिवाइस के बारे में। आप लोगों को यहाँ पर पता होगा अगर आप लोग थीम एप्लीकेशन है इसको यहाँ पर यूज करते हैं और आप लोग अलग अलग थीम है उनको यहाँ पर सेट करने का यहाँ पर शौक रखते हैं। सो आपको एक बग है वो तो यहाँ पर देखने को मिला होगा कि आपकी जो थीम है वो यहाँ पर प्रॉपर अप्लाई नहीं होती है। सो इसका सोल्यूशन क्या है, कैसे आप लोग अपनी थीम का जो एप्लीकेशन है इसके बग्स है उनको यहाँ पर रिमूव कर सकते हो, सो इसी के बारे में मैं आप लोगों से इस वीडियो में बात करने वाला हूं। सो गाइज अगर आप लोग एक Redmi एंड Poco डिवाइस के यूजर हैं, थीम एप्लीकेशन को यूज करते हैं, सो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को कहीं से भी स्किप मत करना। और यहां पर गाइज अगर आप लोगों ने वीडियो को अभी तक भी यहां पर लाइक नहीं किया सो अभी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को यहां पर ऑल पे प्रेस कर लेना। यहां पर गाइज मैं आप लोगों से बात करूं थीम एप्लीकेशन के अंदर आपको जो भी यहां पर बग्स देखने को मिलते हैं उनको आप लोग कैसे यहां पर सॉल्व कर सकते हो। सो थीम एप्लीकेशन है, अब होता क्या है ना कि हम लोग कोई भी थीम है उसको यहां पर चूज करते हैं। सो यहां पर लॉक स्क्रीन, होम स्क्रीन एंड सिस्टम एंड आइकन सभी को हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं और सभी के अंदर हमको अलग अलग इंटरफेस है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन कई बार होता है कि कंट्रोल सेंटर है वो यहाँ पर अप्लाई नहीं होता है और कई बार होता है कि आपकी जो सेटिंग का जो पेज है वो यहाँ पर इनेबल नहीं होता है। सो इसका सॉल्यूशन क्या है, आप लोग कैसे इसको यहाँ पर ठीक कर सकते हो। सो आपको कुछ नहीं करना है, एक सिंपल सी ट्रिक होती है, आपको सिंपल से इसको यहाँ पर प्रेस करके रखना है, ऐप आइकन है उसको यहाँ पर ओपन करना है और क्या होता है कि कई बार आप लोग यहाँ पर बीटा अपडेट थीम एप्लीकेशन का वो यहाँ पर यूज करने लग जाते हो या फिर कोई नया अपडेट है उसके अंदर यहाँ पर ये अपने आप से इंस्टॉल हो जाता है। सो सिंपली आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा अनइंस्टॉल अपडेट। सो जैसे आप लोग इसको यहाँ पर प्रेस करोगे, ओके पे यहाँ पर प्रेस करोगे, सो थीम एप्लीकेशन है वो यहाँ पर इंस्टॉल नहीं होगी और इसका जो लेटेस्ट अपडेट है वो यहाँ पर अनइंस्टॉल हो जाएगा और आप लोग यहाँ पर जो स्टेबल अपडेट है उस पे यहाँ पर आ जाओगे। अब गाइस आपको एक कमाल का इंटरफेस है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा, कोई भी आपको यहाँ पर बग है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। थीम एप्लीकेशन के अंदर आप लोग यहाँ पर जाते हो, 1UI 3.0 की ये वाली थीम है, इसको मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ और सारी चीजें मैंने यहाँ पर अप्लाई की है। सो गाइस आप लोग यहाँ पर जैसा कि देख सकते हो आइकन है वो भी यहाँ पर अप्लाई हो चुके हैं, बहुत ही कमाल के 1UI 3.0 के आइकन पैक है, वॉलपेपर भी अप्लाई हो चुका है और कंट्रोल सेंटर है वो भी यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। सो बहुत ही कमाल की बात है और यहाँ पर जो सेटिंग का जो पेज आपको देखने को मिलता है ये चेंज नहीं हुआ है क्योंकि ये वाली जो थीम है इसके अंदर आपको सेटिंग का जो पेज है इसके अंदर चेंज यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। और बाकी मैं आप लोगों से बात करूं लॉक स्क्रीन के बारे में, सो लॉक स्क्रीन है वो भी यहाँ पर चेंज हो चुकी है, 1UI 3.0 के आपको आइकन पैक है वो यहाँ पर लॉक स्क्रीन है इसके अंदर भी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। सो इस तरीके से मदद से आप लोग भी अपने डिवाइस के अंदर इजीली थीम एप्लीकेशन है उसके बग्स है उनको यहाँ पर रिमूव कर सकते हो। और यहाँ पर गाइस बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये थीम कौन सी है, सो मैंने आपको थीम के बारे में अभी बता ही दिया है एग्जांपल देके 1UI 3.0। सो गाइस आज की वीडियो बस इतना ही, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी सो वीडियो को लाइक करना, चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को यहाँ पर ऑल पे प्रेस कर लेना। गाइज आप लोग हमारा टेलीग्राम का जो चैनल है इसको भी यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो, फ्यूचर में किसी भी डिवाइस के लिए अपडेट यहाँ पर रिलीज होगा न्यूज आपको यहीं पे देखने को मिल जाती है। सो इसको सब्सक्राइब कर लेना, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।